राखी एज ए प्रोड्यूसर आप कैसा एक्सपीरियंस रहे ओवरऑल इम्पैक्ट लाइक जिम्मेदारी का काम होता है तो अभी एक फिल्म बन चुकी है आगे फिल्म के लिए जो जिम्मेदारी है इस तरह से निभा पाओगे हाउ द एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एज ए प्रोड्यूसर और डेफिनेटली प्रोड्यूसर जब बन जाते हैं तो बहुत जिम्मेदारियां आ जाती हैं हर एक हमें पता चलता है कि जब क्योंकि मैं एज आर्टिस्ट रही हूँ तो प्रोड्यूसर को कितना टेंशन होता है बट इस फिल्म में हमें बिल्कुल भी मैंने कोई टेंशन नहीं लिया राहुल जी ने लिया होगा तो पता नहीं बट मुझे इतनी अच्छी टीम मिली है ये सब लोग दे आर प्रोफेशनल यू नो थोड़ा किसी भी चीज की कोई 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 टेंशन नहीं हर आर्टिस्ट काम करना चाहता है और बस मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा काम है थैंक यू सो मच बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं मेरी फिल्म का नाम है जय जयकार एक मराठी फिल्म मेरे प्रोडक्शन में बनाई है मैंने और राहुल जी ने फेथ इंक कॉरपोरेट तो इसमें हमने भोजपुरी मराठी बंगाली पंजाबी इंटरनेशनल तो ये सारी फिल्म हम बना रहे हैं तो बहुत एक्साइटमेंट है बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी फिल्में बना रहे ताकि लोग देख सके और उनके पैसे वसूल हो और उनको एक एक समाज में एक अच्छा मैसेज मिले जय जयकार की बात करें तो एक ये एक ऐसे फिल्म है किन्नरों पे फिल्म है कि जब किन्नर उनके घर में पैदा होता है तो लोग अलग समाज में एक अलग नज़र से देखते हैं तो उनकी जो बिरादरी वाले होते हैं वो उनको लेकर जाते हैं क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उनको समाज में सोसाइटी में एक अलग नज़र से देखा जाता है क्योंकि उनके हाव भाव चाल चलन एक अलग टाइप का होता है मोर ऑफ गलीश होता है तो जैसे मैंने इतने शोज़ किए इतने शोज़ में भी ऐसे ऐसे केसेस मेरे पास आए हैं कि उनको पीटा जाता है लिटरली उनके माँ बाप उनको इतना पीटते हैं वो उनको कहते हैं पैंट पहनो शर्ट पहनो लड़के की तरह बिहेव करो बाल काट देते हैं लेकिन उनको अपनी ज़िंदगी जीने नहीं मिलती है तो फिर उनको उनकी बिरादरी के लोग लेकर चले जाते हैं फिर वो उनसे फिर उनके पास कोई काम धंधा नहीं होता है तो कोई भीख मांगता है कोई चोरी करता है कोई नाच गाने करता है किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो नाच गाने करता है तो इसी फिल्म को लेकर इसी इशू को लेकर हमने एक जो ये जो जय जयकार फिल्म बनाई है दिलीप जी जो मेन किरदार जो निभा रहे हैं इसमें दिलीप जी बहुत ही अलग टाइप का कैरेक्टर है थोड़े सनकी टाइप के वो रोज़ मतलब ऐसे के करते हैं कि उनकी वाइफ के गुजरने के बाद वो एक रोज़ ऐसे ऐसे हरकतें करते हैं कि पड़ोसी लोग इतने परेशान हो जाते हैं रोज़ अपने कभी कभी अपने आप को मार देते हैं लोगों को लगता है मर गए लेकिन बाद में पता चलता है कि वो मरे नहीं उनके एक बेस्ट फ्रेंड है सुहिता जी जो वो जानती है कि ये मरा नहीं है ये जिंदा है तो ये दिलीप जी इनको कैसे एक नया रास्ता दिखाते हैं इनको इनको कैसे कहते हैं कि भाई तुम लोग सिर्फ भीख मांगने के लिए पैदा नहीं हुए तो सो व्हाट के आपके शरीर में कोई पार्ट प्रॉब्लम है तो सो व्हाट के आप ऐसे पैदा हुए तो सो व्हाट बट आप लोग भीख मत मांगो चोरी मत करो आप लोग भी जिसमें आपको दिलचस्पी है आप भी अच्छा काम कर सकते हो कोई फैशन डिज़ाइनर कोई मेकअप आर्टिस्ट कोई यू नो सिनेमा फोटोग्राफर कोई फिल्म बनाता है तो सब में इनका जिन जिन चीज़ों में इनकी जो खासियत है तो उनको 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 वो सिखाते हैं कैसे काम करना अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर इनको इनको गांव में भीख मांगने से रोकना इनको गुंडों से पिटवाना ताकि ये दोबारा भीख ना मांगे जो वैसे काम करते हैं इनको रोकना ओ माई गॉड आई टेल यू मराठी समाज में मराठी हिंदुस्तान के समाज में सोसाइटी के लिए ये एक ऐसा मैसेज है कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये एक ऐसी फिल्म है तभी हमारी फिल्म को 12 अवार्ड मिले हैं और लोगों ने बहुत पसंद किया है फेस्टिवल में राखी